दोस्तों, आज के समय में यूं तो हर व्यक्ति अपने चेहरे का पूरा ध्यान रखता है, जिसकी वजह से यह भी होता है कि लोगों का चेहरा तो गोरा होने लगता है, लेकिन उसके हाथ, पैर, गर्दन, कोहनी और पैर अक्सर काले ही रह जाते हैं। रंग काले होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि सूरज की किरणें, प्रदूषण, गलत खानपान, नशे की लत, मोटापे के कारण भी आपकी स्किन का रंग फीका या डार्क होने लगता है। लेकिन अगर आप अपने हाथ और पैर और गर्दन को गोरा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे बताया हुआ ये नुस्खा जान लीजिए। तो चलिए नुस्खा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी बेसन की। तो अपने हाथ और पैरों को गोरा करने के लिए बेसन एक स्क्रब की तरह काम करेगा, क्योंकि बेसन के जो दाने होते हैं, खुदड़े दाने, वह हमारे शरीर से जो मृत कोशिकाओं की जो लेयर जम जाती है, जो कालापन होता है, वो मृत कोशिकाओं की एक लेयर होती है, उनको हटाने में ये काम करता है। अब जो दूसरी चीज जो हमें चाहिए, वह हमें चाहिए हल्दी। देखिए, हल्दी का प्रयोग काफी मात्रा में हम सेहत के लिए किया जाता है। हल्दी में पिंपल्स पैदा करने वाले कीटाणुओं को ये मारती है हल्दी। और देखिए, अपने हाथों को गोरा करने के साथ साथ हम अपने चेहरे को भी इस नुस्खे से गोरा कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी और बेसन हमारे चेहरे पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालता है। अब देखिए, हमें जो इसमें तीसरी चीज जो चाहिए, वह हमें चाहिए चीनी। आप सोच रहे होंगे कि चीनी का प्रयोग क्यों? चीनी के जो दाने हैं, ये दाने हमारे हाथ और पैरों पर, इसके जो खुदड़े दाने हैं, हमारे हाथ और पैरों पर मृत कोशिकाओं को निकालने का काम करेंगे, क्योंकि चीनी में प्राकृतिक शुगर होता है और इसमें लैक्टोज और फ्रक्टोज जैसे गुण होते हैं, जो हमारी त्वचा को पोषण देने के साथ साथ हमारे चेहरे और हाथ और पैरों को गोरा करने में मदद करती है चीनी। तो देखिए, बेसन, हल्दी और चीनी हमने इसमें ले लिया है। अब हमें जो इसमें लास्ट में हम लेंगे गुलाब जल। गुलाब जल का प्रयोग सौंदर्य के रूप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में कई सालों से, ढेर सालों से यूज में लाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से लड़का लड़की चेहरे से धूल मिट्टी को साफ करने के लिए कॉटन में ये गुलाब जल डालकर अपने चेहरे की सफाई करते हैं। तो उसी प्रकार ये हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। जब गुलाब जल से हम अपने स्किन पर ऐड करेंगे तो हमारे स्किन पर जो मैल और गंदगी होगी उसको फुला देगा ये गुलाब जल। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें बेसन का प्रयोग किया, जो कि उपटन की तरह काम करेगा, और हल्दी, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल होती है, यह हमारे पिंपल्स पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारती है, और हमारी स्किन पर जो विषाणु, कीटाणु, धूल मिट्टी के कारण जम जाते हैं हाथों पैरों पर, उनको मारती है। अब यह है चीनी। चीनी देखिए, हमारी स्किन से जब रगड़ेंगे तो कालापन दूर हो जाएगा इसकी मदद से। तो और हमने लिया था इसमें गुलाब जल। तो चलिए, नुस्खा हमारा तैयार है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको इसको अच्छे से आधे मिनट तक मिक्स करना है। हल्दी, बेसन, गुलाब जल और चीनी का ये पेस्ट हमारे हाथ और पैरों को गोरा करेगा। अब देखिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। जिस प्रकार आप नहाते समय साबुन से अपने शरीर को रगड़ते हैं, उसी प्रकार इस पेस्ट को अपने काले हाथ और पैरों, गर्दन पर रगड़ेंगे। तो अपने फिंगर्स की हेल्प से आपको अपने हाथ और पैरों पर इस तरीके से जमकर मसाज करनी है। तो इस तरीके से देखिए, आप 5 से 10 मिनट तक ऐसा करते हैं तो आपका चेहरा गोरा होने लगेगा और आपकी स्किन भी चमक जाएगी। देखिए, आपको अपने हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत तो समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ से बड़ी पूंजी कुछ नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। अगर आपका चेहरा तो गोरा है लेकिन हाथ और पैर काले हैं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, इस तरीके से जब आप 5 से 10 मिनट तक इस तरीके से मसाज कर लें, और देखिए, ये हमारे उंगलियों के जो टिंगल्स होते हैं, ये काले पड़ जाते हैं, इन पर भी हम अच्छे तरीके से मसाज करेंगे, और पैरों पर भी इसकी मसाज करें, घुटने जो काले पड़ जाते हैं वो भी इससे गोरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आप 5 मिनट तक 10 मिनट तक मसाज कर लें तो इसको आप ऐसे ही लगाकर छोड़ दें सूखने के लिए 15 मिनट तक। उसके बाद साफ पानी से अपने हाथ और पैरों को, अगर आपने चेहरे पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने चेहरे को भी धो लेंगे। तो धोने के बाद अगर आप ऐसा हफ्ते में 3 से 4 दिन तक करते हैं तो दोस्तों, आपका चेहरा गोरा और आपके हाथ पैर भी गोरे और खूबसूरत और चिकने और चमकदार हो जाएंगे, और आपका शरीर बेहद ही आकर्षक लगेगा। तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों पर व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। चलते हैं, ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बाय बाय।